नवयुवक मित्र मंडल द्वारा आयोजित गणपति महोत्सव में गोकुल नगर के महाराज बप्पा के दर्शन के लिए राजनेता पहुँचे, जहाँ पर राजनेताओं ने गोकुल नगर के महाराज का दर्शन लिया और संगीतमय भजन का आनंद उठाया। वहीं बप्पा के दर्शन में आए हुए राजनेताओं का सम्मान नवयुवक मित्र मंडल के अध्यक्ष द्वारा किया गया, जहाँ पर सभी राजनेताओं को शॉल और पुष्प देकर सम्मानित किया गया। और एकता मित्र मंडल के प्रमुख शेंडे जी और उनके सभी साथियों ने मिल के यहाँ पर गणपति बाप्पा का बहुत ही सुंदर स्थापना का आयोजन किया है। मैं गोकुल नगर के क्रांति नगर के सभी वासियों को इस शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामना देता हूँ और गणपति बाप्पा का यहाँ पर जो स्थापना हुआ है और इस स्थापना का आशीर्वाद आजू बाजू के हमारे जितने भी रहवासी हैं उन सभी की परिवार की खुशहाली के लिए बाप्पा का आशीर्वाद मिले, ये मैं बाप्पा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आज सत्यनारायण महापूजा के आज शुभ अवसर पर आज हमारे जूनियर नवयुवक एकता मित्र मंडल तरफ से हमारे प्रमुख जो हमारे सेंडे जी उनके नेतृत्व में उनके सभी टीम के आज आशीर्वाद जो इस कार्यक्रम हो रहा है सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारे बड़े भाई प्राचार्य गणेश सर जी और सभी हमारे यहाँ के मित्र और सभी सहयोगी, मैं सभी का आज धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मंडल के तरफ से जिन्होंने आज बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। ऐसे कार्यक्रम के वो बधाई के पात्र हैं और सभी देशवासियों को मैं इस शुभ अवसर पर गणेश उत्सव के उपलक्ष्य में सभी को बधाई देना चाहता हूँ। हार्दिक ऐसा है आज दो साल लॉकडाउन के बाद ये जो गणपति का धूप मचा है क्योंकि हिंदुत्व की सरकार आई है जिसके लिए आज ये रंगारंग कार्यक्रम देखने को मिल रहा है और आज जनता में इस बात की बड़ी खुशी है क्योंकि अभी तक की जो सरकार थी उसमें इतना उत्साह नहीं था। आज ये सरकार आने के बाद जनता में भी एक नई जागरूकता आई है। हमारा सीएम डिप्टी सीएम भी जो है जगह जगह जाकर के गणपत पंडालों में जाकर के और इस जायजा ले रहे हैं और कानून व्यवस्था भी बड़ी अच्छे ढंग से जनता उसका पालन कर रही है, देख रही है। ये सदियों से चला आ रहा है गणेश चतुर्थी का, ये सदियों से कार्यक्रम होता है और सभी यहाँ के लोग क्या पूरे महाराष्ट्र के लोग बड़े उत्साह से मनाते हैं। ये हमारी एकता का परिचय भी देता है हर जात समुदाय धर्म के।